हेलो गाइस, इट्स मी हमसे एंड यू आर वॉचिंग एच सीरीज। क्या हाल चाल हैं जी? आप सबके ठीक ठाक हैं उम्मीद करता हूँ जी। खैर खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे ठीक होंगे। तो आज एक वीडियो लेकर आए हैं। ऑल दो कि मैं लेट हूँ इस वीडियो के हवाले से, लेकिन अगर हम जियो पॉलिटिक्स को देखें और रीजनल जो इन्फ्लुएंस है इंडिया का उसको देखें, तो जनाब ये वीडियो बड़ा इम्पॉर्टेंट है। टाइटल मैं आपको बता देता हूँ, टाइटल से बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा, आपने पढ़ा भी होगा। टाइटल है जी, प्राइम मिनिस्टर मोदी ग्रैंड वेलकम एंड स्किप SCO ऑफिशियल डिनर। आगे हिंदी में है तो वो हम जो भी ये वीडियो है उसको देख के हमें क्लेरिफाई हो जाएगा। तो हमें ये पता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं उन्होंने जो ऑफिशियल डिनर होता है वो स्किप किया था, और जिसमें हम कह सकते हैं कि साइड लाइंस पे बहुत सारे लीडर्स आपस में मुलाकात भी कर लेते हैं। तो मोदी साहब ने किया ये स्किप, देखते हैं क्या वजह थी। तो आइए शुरू करते हैं। उससे पहले हमारी रिक्वेस्ट है जी, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपकी कोई भी रिक्वेस्ट है तो वो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। और हमने थोड़ा अपने रूम को जो है वो शिफ्ट किया है, रीअरेंज किया है, तो आई होप आपको बैकग्राउंड कुछ बेहतर लगेगा। तो शुरू करते हैं जी, 3, 2, 1 एंड गो। नमस्कार, सलाम प्रणाम और सुबह के इंडी प्लस न्यूज देख रहे हैं सभी दर्शकों को प्यार भरी सत श्री अकाल। तो दोस्तों, कल देर रात भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उज्बेकिस्तान के अंदर लैंड कर गए, और जो तस्वीरें और जो वेलकम उज्बेकिस्तान के अंदर भारत के प्रधानमंत्री का हुआ है, ऐसी तस्वीरें आपको कहीं भी दिखाई नहीं देंगे। दोस्तों, दुनिया के जो और देशों के लीडर हैं वो समय पर पहुंच गए थे, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री उन नेताओं में शामिल हैं जो सबसे आखिरी में इस समिट के अंदर पहुंचे हैं। हालांकि समिट में लेट पहुंचे हैं तो ठीक है, माना जा सकता है, लेकिन लेट पहुंचने के कारण SCO समिट के अंदर जो ऑफिशियल डिनर रखा गया था उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति के द्वारा, उस डिनर में भी भारत के प्रधानमंत्री शामिल नहीं हुए। और बेसिकली SCO के साथ जो मनमुटाव है, खटास है, वो देखने को मिल रही है। और सारी बातें आज आपको बताएंगे कि किस तरीके से क्योंकि SCO में आपको पता है कि और G20 चाइना भी जो है बड़े-बड़े और समिट रशिया हैं भी है, उनकी तरह तोल कर देखा जा रहा है, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री ने उस समिट की जो रंगत है उसको खट्टा खट्टा कर दिया है। क्या है सारे का सारा मामला, तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो को। सबसे पहले दोस्तों वेलकम की तस्वीरें देखिए उज्बेकिस्तान की। उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति ने लेट पहुंचे हैं, लेकिन बहाया है इस SCO समिट को G7 के समिट की तरह पॉपुलर करने के लिए। दोस्तों सबसे पहले देखिए किस तरीके से दिवाली का माहौल बना दिया है, जिस हिसाब से पटाखे चलाए गए हैं और जिस हिसाब से खाने पीने के अंदर तरह तरह की चीजें रखी गई थी, अपने आप में ये जो समिट है निराला समिट है। पैसों की कोई कमी नहीं है और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति ने पैसा फुल बहाया शहबाज शरीफ को, लेकिन क्यों दोस्तों घेरा हुआ है? भारत पैसे के तो नहीं मांग रहे थे हो सब या फिर चाइना के राष्ट्रपति हो, उन्होंने इस समिट को खट्टा कर दिया है। हालांकि चीन के राष्ट्रपति तो परसों खट्टा तो रात को कर ही दिया सर, आप उनके वजह देश तो में आ बताएं गए थे, लेट क्यों लेकिन थे? भारत के प्रधानमंत्री कल देर रात सबसे आखिरी में पहुंचे हैं। उसके बाद उन्होंने जो डिनर की सेरेमनी होनी थी, अलग अलग ऑफिशियल यहाँ पर डिनर की सेरेमनी में शामिल हुए थे, उन्होंने पेड़ भी लगाए थे, लेकिन उस इवेंट के अंदर वो शामिल नहीं हुए। दरअसल भारत की और SCO समिट की एकदम से खींचातान तो देखने को मिलती ही है, और वो जो खींचातान का कारण है वो है दोस्तों चाइना। चाइना दोस्तों ऐसा पड़ोसी है हमारा जो हमारी ही जड़े खोदने में लगा रहता है। रशिया ने दोस्तों और चाइना ने इस SCO समिट को बनाया था, और चाइना ने भारत की खिलाफत की थी SCO समिट के अंदर जब रशिया ने प्रपोजल दिया था कि भारत को एंट्री दी जाए। चाइना अड़ गया था और कहता था कि भारत को एंट्री नहीं दी जानी चाहिए, अगर भारत को एंट्री दोगे तो पाकिस्तान को भी इस ग्रुप में एंट्री दो। दोस्तों इसके बाद 2017 में दोनों देशों को एंट्री मिली, और इस SCO समिट का मकसद ये भी है कि आतंकवाद के खिलाफ ये देश मिलकर काम करेंगे। दोस्तों आतंकवाद के खिलाफ मिलकर काम करना तो दूर की बात, इस SCO समिट के अंदर चाइना जैसे देशों ने इस आतंकवादियों को, पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों को नाम लेकर कोसना भी सही नहीं समझा है। यही कारण है कि SCO समिट भारत के मुद्दों को नहीं उठाता है, तो भारत के प्रधानमंत्री की भी कोई जरूरत नहीं है कि वो यहां पर समय से पहुंचे और इनकी
जो सेरेमनी है इसमें चार चांद लगाए, मतलब काइंड ऑफ एक साइलेंट मैसेज दिए, स्किप किया गया कि अगर हमारी नहीं सुनोगे तो हमें कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता। प्रधानमंत्री शामिल होने के लिए पहुंचे हैं और बेसिकली ये एक हटास दोनों देशों के एक समिट के बीच में देखने को मिली है। हालांकि चीन के राष्ट्रपति ने भी इस इनफॉर्मल डिनर का एक स्किप किया था, उसका क्या कारण है भगवान जाने, शायद तक वो चाइना वाले कोविड-19 से डरते हैं इसीलिए उन्होंने इस डिनर को स्किप किया। खैर ये सारी डिटेल निकल रही है, भारत के प्रधानमंत्री ने सही किया या गलत किया, असली कारण क्या है ये तो सामने नहीं आएंगे, लेकिन कयास यही लगाए जा रहे हैं कि भारत के प्रधानमंत्री ने इसी वजह से एससीओ समिट के अंदर ज्यादा एक गर्मजोशी नहीं दिखाई है। सही, तो जो मुझे समझ में आ रही है जो पॉसिबल जो इन्होंने भी दिया है कि आल दो कि रशिया एक बहुत बड़ा एलाय है इंडिया का, लेकिन चाइना जो है वो काउंटर करते हैं इंडिया के इंटरेस्ट को, पाकिस्तान या फिर अपने मफादात जो चाइना के अपने हैं इंटरेस्ट उनको सामने रख के, क्योंकि हमें ये पता है कि इकोनॉमिकली तो इंडिया पाकिस्तान का कोई मुकाबला रहा नहीं है, और डिफेंस के हिसाब से इंडिया की प्रिपरेशंस बहुत ज़्यादा हैं, हमारे अपने रोले हैं पाकिस्तान के, लेकिन हम हमेशा ही कहते हैं कि पीसफुली कोई भी मैटर हो उससे सॉल्व होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे भी कुछ नादान लोग हैं जो कि पीसफुली एक एंगल पे पीसफुल काम हो रहा होता है, दूसरे एंगल से जो है वो कोई जो हम कहें इंसर्जेंट एक्टिविटी कर दी जाती है, तो वो सारा जो पीसफुल प्रोसीजर होता है वो मलियामेट हो जाता है, तो हमारी रिलेशंस तो समझ में आती हैं। अब चाइना जो है उसका भी मैटर इंडिया के साथ काइंड ऑफ ऐसे ही है, लेकिन डिफेंस के लिहाज से और इकोनॉमी के लिहाज से ये इंडिया और चाइना दोनों जो हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं और इनके अपने अपने मफादात हैं जी। तो डेफिनेटली प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं उन्होंने एक काइंड ऑफ एक कहते हैं ना जेस्चर दी है कि भाई तुम इकट्ठे बैठे हो, मुझे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता, जब तक मेरे टर्म्स पे बात नहीं करोगे तो फिर मैं सिर्फ जो है ना मुंह दिखाई के लिए आऊँगा, मैं कोई एक्टिव रोल प्ले नहीं करूँगा। तो अगर आप मेरे इस व्यू से एग्री करते हैं तो जनाब कमेंट में हमें बताएं कि आपकी क्या राय है इस वीडियो पे, और हमें तरह तरह की वीडियो आप सजेस्ट कर सकते हैं, हम गाहे बगाहे जो है वो लेकर आते रहते हैं पॉलिटिकल वीडियोस भी। तो आई होप आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल को करो सब्सक्राइब, ये सबसे मेन चीज़ है। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, हम कुछ नया ढूंढ के लाते हैं, तब तक सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।